वेलकम टू ऑल इन इन्फो फॉर ट्रिपली स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी बुक्स के नाम लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बुक्स पढ़ लेते हैं तो मतलब आपके उस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये उस सब्जेक्ट्स की टॉप मोस्ट बुक्स हैं जो अभी तक अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी जो बुक आती है वो है वीके मेहता। तो वीके मेहता की जो बुक है, अगर आप ये पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा सिलेबस है उसमें आपको दिया है, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपका। सेकेंड बुक की बात करते हैं तो डीपी कोठारी सर की बुक आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, तो आप दोनों रेफर कर सकते हैं। सिग्नल सिस्टम्स की बात करते हैं तो सिग्नल सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो एक ही बुक हमारे ध्यान में आती है, LNV ओपन एम। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन सिग्नल सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो एक ही बुक हमारे दिमाग में आती है, मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आपको अच्छे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके और बहुत अच्छा आपको समझ आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इज़ वन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, और इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं बुक की, सबसे अच्छी बुक आती है आपकी जॉन डी करुस की। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में। और इसके बाद सेकेंड बुक आती है विलियम एच हेट, ये बुक भी बहुत अच्छी है। एक बुक और आती है स्टूडेंट्स इसके ऊपर, साडिक्यू की, वो बुक भी बहुत अच्छी है बट उसमें थोड़े से एरर हैं। तो आई विल एडवाइस यू कि आप ये दो बुक फॉलो करें। और जो आपको सीक्वेंस आप देख रहे हैं बुक्स के, तो ये सीक्वेंस है आपके, ये बुक थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। मैंने इसी सीक्वेंस में आपके लिए जो भी लिस्ट बनाई है ऐसे ही मिलेगी, और बुक की मैंने आपके सामने इमेज डाला हुआ उसका फ्रंट, ताकि आपको आइडिया लग जाए बुक्स कौन सी हैं, कैसी हैं, और अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस के लिए वेल्कनबर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। वेल्कनबर्ग एक बहुत ही स्टैंडर्ड की बुक है। वेल, नेटवर्क एनालिसिस इज़ वन ऑफ सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। वेल्कनबर्ग में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन भी दिए हैं, और बहुत बहुत अच्छी बुक रहेगी नेटवर्क एनालिसिस, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने हैं नेटवर्क्स में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए हेल्फ्रिक एंड कूपर की बुक आती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इमेज आपके लिए रखी है उसका फ्रंट, बहुत अच्छी बुक है। और नेक्स्ट आती है ए के सहानी, बहुत ही लेंदी बुक है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज चाहते हैं, तो ए के सहानी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद मूव कर सकते हैं आप कूपर की बुक पे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो अशफाक हुसैन विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू इनिशिएट इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और अगर आप अशफाक हुसैन पढ़ लेते हैं एक बार, तो उसके बाद PS भिमरा, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। इसमें लैंग्वेज बहुत ही सिंपल दी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, और थोड़ी सी एरर है बट काफ़ी अच्छी बुक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट बुक आती है स्टूडेंट्स DP कोठारी एंड IJ नागराथ। ये बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस सीक्वेंस से आएँ, मतलब अशफाक हुसैन, PS भिमरा, देन IJ नागराथ, क्योंकि IJ नागराथ आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए बहुत टॉप की बुक्स हैं जो मैंने आपको सामने रखी। नेक्स्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, मिलीमैन एंड हेल्कियास इज बेस्ट बुक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स। और इसी के साथ साथ एक आती है बॉलेस्टेड इज ऑल्सो द वंडरफुल बुक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो बॉलेस्टेड में बहुत अच्छा स्टेबस दिया है, EDC आपकी सी से कवर होती है, तो बहुत अच्छी बुक है। ओपैम्स की बात करते हैं तो गायकवाड़ सर की बुक आती है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो BC को बेंजिनियम को, ये बहुत अच्छी बुक है, फॉरेन राइटर है, और अगर आप ये पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके बाद आती है आपकी के ओगाटा भी बहुत अच्छी बुक है, और इसके बाद आती है हमारी M गोपाल सर की बुक आती है, तो नागराथ एन गोपाल के नाम से आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो M गोपाल से आप पढ़ते हुए ओगाटा NBC के वो पे अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं, तो कंट्रोल आपके इन तीन बुक्स के बाहर कहीं नहीं आपको मिलेगा। माइक्रोप्रोसेसर की बात करते हैं तो रमेश बुक फॉर गांवकर इज़ द ओनली बुक जो हमारे ध्यान में आती है फॉर 8085, तो बहुत अच्छी बुक है अगर आप माइक्रो प्रोसेसर फॉलो करना चाहते हैं।
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो नेट मोहन इज द वंडरफुल बुक फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और एम रशीद इज ऑल्सो द बेस्ट बुक, एंड पी एस बिमरा. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पी एस बिमरा से आप पहले पढ़ें, फिर रशीद, देन नेट मोहन, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर सिस्टम की बात करते हैं तो जॉन जे ग्रिंजर एंड विलियम स्टीवेंसन की बुक है, बहुत अच्छा इसमें दिया है. एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तो डी पी कोठारी एंड आई जे नागराज सर की बुक आती है पावर सिस्टम के ऊपर भी. और एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सी एल वाधवा की बुक आती है. सी एल वाधवा सर की बुक भी बहुत अच्छी है अगर आप फॉलो करें तो. सीक्वेंस आपके सामने है स्टूडेंट्स, कैसे आपको फॉलो करना है. बेसिकली आप सी एल वाधवा पढ़ें पहले, देन डी पी कोठारी, देन आप स्टीवेंसन पे आए, तो ये सीक्वेंस है. इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लिए एक ही बुक बहुत ज़्यादा चलती है, गोपाल के दुबे की, तो बहुत अच्छी बुक है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सारे इसमें कवर हो जाएगा आपका. बहुत इजी लैंग्वेज है और पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं इसको. एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू. और अगर आपने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए हैं और अगर आप एप्टीट्यूड में और अच्छा करना चाहते हैं तो अरुण शर्मा की है, तो इट इज़ वंडरफुल बुक फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक योर गेट एंड ई एस एंड ऑल फॉर कॉन्सेप्ट, तो आर के कनोडिया विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू. आर के कनोडिया बुक की मैं आपको एक खास बात बता दूँ, इस बुक में थ्योरी नहीं दी होती, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, जैसे आपका एक सब्जेक्ट है उसके सारे क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज, और एमसीक्यू में इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके, सॉल्यूशन इसके पीछे दिया होता है. बहुत अच्छी बुक है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं. और बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.